हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो है सो क्लास 10 का हम लोग एक दिन ज्योग्राफी पढ़ाए थे आपको कुछ दिन पहले। अभी आप लोगों का पॉलिटी ख़त्म हो गया और ज्योग्राफी चालू की है, तो ये भी जल्दी ख़त्म कर देंगे। आप लोग जो है सो पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछते रहिए, और आप लोग मेरे से जुड़े रहिए। सारे सब्जेक्ट ख़त्म कराने के बाद आपके सारे क्वेश्चन करा देंगे, और साथ में आप लोगों के जो मैट्रिक की तैयारी है उसको जो है सो क्वेश्चन कैसे मैट्रिक में लिखते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और आगे आप जैसे मैट्रिक के बाद क्या करने हैं उसको वो वाला लेक्चर आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको करियर गाइडेंस के बारे में हमने सलाह दिया है। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग जो है सो लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में, जितना लोगों को बताएंगे उतना जो है सो जागरूकता फैलेगी और आप लोगों को एक बेहतर एजुकेशन जो है सो देखो मैथ और साइंस तो सब लोग पढ़ा देते हैं बिहार में, इन सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कोई नहीं पढ़ाता है, जिसके कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो उससे जो है सो हमने जो है सो इस इनिशिएटिव को चालू किया है मैथ और साइंस के साथ में। बाकी मैं ये सारा सब्जेक्ट भी पढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों को जो है सो कोई तकलीफ नहीं हो और आसानी से आप लोगों का मैट्रिक एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है? तो आप लोग बस यही काम करना है कि लोगों को शेयर कीजिए, बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबा कर रखें ताकि जब भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए, हमसे जुड़े रहें। आगे भविष्य में बहुत सारे आपके काम आ सकते हैं हम। और दूसरा चीज़ ये है कि हम आपकी मदद ही करना चाहते हैं, इसलिए हम इनिशिएटिव चालू किए हैं ये। तो आज हमारा जो है सो पहले दिन हम संसाधन पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। आज हमारा जो है सो प्रकृति संसाधन क्लास 10 का जो है सो ये पार्ट 2 है लेक्चर। इस तरह से जो है सो ये भी ख़त्म हो जाएगा। पॉलिटी आप जाके देखिए, पूरा लेक्चर पढ़ा चुके हैं, और इसके पहले का आप देख लेंगे तब जाके ये समझ में आएगा। तो इसके पहले वाला लेक्चर भी आप लोग देखा करें, ठीक है? तो देखो संसाधन जो होता है भूगोल में, जो है भूगोल में आप बात करेंगे तो हमारा जो है सो इंडिया का जो मैप है देख थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रहा, ठीक है? इधर ये थोड़ा और बढ़ जाता, ठीक है? तो इसमें जो है सो हमारे यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है भारत में आप देखेंगे तो इधर ये जो है सो पूरा पठारी भाग है ये पूरा, और यहाँ कुछ जो है सो यहाँ भी कुछ आ जाता है, ये मेघालय वेघालय सॉरी यहाँ मेघालय में भी कुछ आ जाता है इधर, ठीक है? और जो है सो ये पूरा पठारी भाग है, और ये पूरा जो है सो यहाँ से ये कुछ ऐसे जो है सो ये पूरा मैदानी भाग है, और ये पूरा जो है सो पहाड़ी भाग है, ठीक है? तो भारत में जो है सो संसाधन जो है, भारत में जो भी संसाधन है वो प्राकृतिक रूप से है, मतलब कि ये कोई मैन मेड तो है नहीं, मैक्सिमम सब प्राकृतिक है, हम लोग उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है? और संसाधन का उपयोग हम लोग अपने ज़िंदगी में करते हैं, प्रकृति का दिया हुआ है, तो इसलिए आज हम लोग प्राकृतिक संसाधन पढ़ रहे हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में जो है सो सबसे पहला है भूमि संसाधन है। तो अब देखो प्राकृतिक संसाधन में भूमि संसाधन है, खनिज संसाधन है, उसके बाद में जो है सो आपका इस तरह से बहुत सारे संसाधन है, जैसे जल संसाधन हो गया, हवा संसाधन हो गया, जिसका हम लोग डेली यूज करते हैं। तो अब भूमि जो है, आज पूरा भूमि संसाधन के बारे में ही बात करेंगे, पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड रहेगा कि अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भूमि संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ये पूरे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो है सो मृदा निर्माण के बारे में बात कीजिए, तो फिर इसी के बारे में लिखना पड़ेगा, या फिर जो है सो काली मिट्टी के बारे में आप क्या समझते हैं तो फिर इसके बारे में लिखो, फिर पूरा नहीं लिखना है। लेकिन अगर भूमि संसाधन आ जाएगा तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन को अन्याय क्वेश्चन के साथ नहीं करना है, न्याय करना हमको। चलो तो हमारा जो है भूमि संसाधन की बात कर रहे हैं, तो भारत के अंदर जितने भी प्रकार की भूमि है उसके बारे में बात होगी। तो जो स्थल है, तो हमारे यहाँ कोई प्लेन स्थल तो नहीं है ना, हमारे यहाँ जो है आपका कोई प्लेन स्थल तो नहीं है, हमारे यहाँ जो स्थल जो है कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ठीक है? तो उसके आधार पे जो है हमारा जो है सो स्थल उसके आधार पे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है सो मैदान 43% है। तो मैदान जो है सो यहाँ देखो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा जो है सो मैदान है, मतलब कि इधर राजस्थान से लेकर के इधर तक। यहाँ पे अरावली पर्वत है, यहाँ पे आप लोगों को पता हो तो अरावली पर्वत है, और यहाँ से गुजरात से लेकर मजलू की टीला दिल्ली तक, और यहाँ काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जैसकर हो गया, ग्रेटर हो गया, मिडिल हो गया, सिविल हिमालय, ये तीन हिमालय की पहाड़ियाँ हो गई, यहाँ वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, और ये जो है सो आपका जो है सो पठारी भाग है। तो आपका जो है सो भूमि जो है सो मैदान जो है सो 43% है, तो मैदान कुछ इधर भी हैं कुछ इधर भी हैं, तो सबसे ज़्यादा मैदान है। उसके बाद पठार, तो देखो मैदान तो होता है कि एक समतल सपाट है, जिसका मतलब कि ज़्यादा ऊँचाई नहीं है, ये मैदान हो गया। सपोज डैट आपको अगर समझाएं हम तो ये आपका जो है सो मैदान हो गया, ठीक है? लेकिन अगर पठार की बात करते हैं तो पठार कुछ ऐसा होता है, एक लंबा जो है सो टेबल जैसा होगा और नीचे ऐसा आएगा, ठीक है?
और इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होगी। तो ये हो गया पठार हो गया। तो अब पठार में कौन कौन से पठार हैं आपके, अगर थोड़ा सा आप मैप में देखें अगर, तो मैप में आप जैसे ये देखते हैं, अगर ये इंडिया है सपोज डैट नीचे वाला भाग, तो ये पूरा पठारी है। उसके बाद में जो है सो थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो जो है सो इधर ये छोटा नागपुर का पठार हो गया, और इधर जो है सो आप बढ़ेंगे तो इधर मेघालय का पठार हो गया, और ये पूरा नीचे पठारी भाग है। तो पठार हो गया। पठार के बाद पहाड़ की जब हम बात करते हैं तो पहाड़ कैसा होता है, ये ऐसा आएगा, ठीक है। ये पहाड़ है मतलब ऊंच नीच, जैसे हिमालय की है तो हिमालय पहाड़ है, ये कुछ ऐसा है, तीन श्रेणियाँ इसमें ऐसी है। फिर पश्चिमी घाट पहाड़ पठार ही है लेकिन कगार उसका ऊंचा है, और 1600 किलोमीटर लंबाई है। जैसे हिमालय की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर, चवाड़ी कितनी है, इधर कम है, इधर 240 है, इधर 400 किलोमीटर तक है, ये 1600 किलोमीटर है, सबसे लंबा मतलब भारत में स्थित है ये। तो ये पठार ही है लेकिन जो है सो इधर से देखने वाले की ऊंचाई सीधे ऐसे देखता है तो उसको लगता है कि ये पहाड़ है, लेकिन है क्या, वो पठार ही है। उसके बाद में जो है सो, तो हमारा जो है सो मैदान 43% हो गया, पठार 30% हो गया, और पहाड़ जो है सो ऊपर नीचे होता है, टेबल लैंड नहीं होता है, और मैदान क्या होता है, एकदम फ्लैट होता है, ये ऐसा, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे कि मिट्टी, अब इन पहाड़ों पठारों और इन मैदानों से जो है सो टूट के क्या बनता है, मिट्टी ही तो बनेगा ना। अब लेकिन मिट्टी बनने में 100-200 साल लग जाता है, 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में 100 साल लग जाता है सपोज डैट, ठीक है। तो ये जो है, अब आप लोग एक काम है कि इसको नोट कर लीजिएगा किसी कॉपी पे, फिर किताब पढ़िएगा, और फिर जो है इसमें जो भी ऐड करना हो, ये पूरे आपके चैप्टर का निचोड़ है। इसमें और भी एक पार्ट और इसमें बनाना है अभी मुझे, ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है, तो आप लोग इसको पढ़िए समझिए, ठीक है। और जो है सो इसको आप जैसे नहीं भी, मान लीजिए कि एक बार इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले, इवन एट पीएससी यूपीएससी की भी तैयारी करने वाले, उनके लिए भी ये काम आएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो है सो अब मिट्टी हो गया, पहाड़ से टूट के मिट्टी बनेगा, और मिट्टी का संरक्षण, अब इस संरक्षण के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। संरक्षण तो खैर उसको जो है सो मिट्टी को बचाना है तो उसके अलग अलग तरीके हैं मिट्टी के संरक्षण के। अब देखो मृदा का निर्माण क्या है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो सबसे पहले है मृदा के निर्माण का ऊंचावच, जैसे ऊंचाई पे है कोई, मान लो कि कुछ ऐसा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे अगर पत्थर है तो टूटेगा तो गिरेगा, तो गिरेगा तो इधर क्या बनेगा, छोटे छोटे कण टूट के बन जाएंगे। तो ये होगा एक कारण हो गया कि उसकी ऊंचावच, ठीक है। दूसरा है कि यह कौन सा चट्टान है, औषधीय चट्टान है कि कायांत्रिक चट्टान है कि अग्नि चट्टान है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा है जलवायु, अगर मान लो कि खूब गर्मी पड़ रही है तो गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा, और ठंडी पड़ेगी तो फिर सिकुड़ेगा, तो इस तरह से उसमें कमजोरी आ जाएगी, फिर टूट जाएगा। तो जलवायु एक कारक हो गया। उसके बाद में खनिज के कण, अब इसमें क्या है कि इसमें ये जिस तरह के चट्टान होगा, मान लो कि इसमें लोहा के कण है, तो लोहा के कण है तो मिट्टी लाल होगी या फिर दूसरे कलर की होगी, तो जो खनिज होगा उसके हिसाब से उसमें मिट्टी होगी, उसकी मिट्टी कलर होगा। उसके बाद वनस्पति, वनस्पति मान लो कि यहाँ पे एक पौधा है, तो इसका जड़ जो है सो पहाड़ में घुसते जाएगा, उसको तोड़ते जाएगा, और इसके जो है सो जो मटेरियल है वो चूसते जाएगा, तो क्या होगा, इसके जो कण है कमजोर होते जाएगा, टूट जाएंगे, ये मिट्टी बन जाएगा। या दूसरा चीज़, ये एसिड छोड़ते रहते हैं तो इसको तोड़ते रहता है, तो ये भी है कि वनस्पति भी तोड़ता है। और तीसरा है समय, मतलब कि मिट्टी बनने में 100 साल लगता है, मान लो 1 सेंटीमीटर 100 साल लगा, तो ये भी एक फैक्टर है ना। उसके बाद में जैव पदार्थ, अब जो है सो जैव पदार्थ हैं, मान लो कि यही है कि इसमें जो है सो पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सब क्या करते हैं, पत्थरों को तोड़ते रहते हैं और ये छोटा होते रहता है, और जो है सो एक मृदा का परत बन जाता है, एक मिट्टी का परत बन जाता है। इसमें जो है सो बहुत सारी कण रहते हैं और ये मिट्टी का एक परत है। तो मृदा के निर्माण के जो कारक हैं, ऊंचावच है, खनिज है, चट्टान है, जलवायु है, खनिज के कण है, वनस्पति है, समय है, जैव पदार्थ है, ठीक है, और उससे एक मृदा का परत बन जाता है। उसके बाद में मृदा के प्रकार एवं वितरण की अगर आप बात करोगे तो आप जो है सो क्या यहाँ देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि जलोढ़ मिट्टी हो गया, तो जलोढ़ मिट्टी जो है आपका, इसमें देखो जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी हो गया, लेटराइट मिट्टी हो गया, राजस्थानी मिट्टी हो गया मतलब मरुस्थली मिट्टी हो गया, और उसके बाद में जो है सो डेल्टाइक मिट्टी हो गया, या फिर उसको दूसरा मिट्टी बोलते हैं, उसको हम बताएंगे बाद में। तो इसमें क्या है कि ये जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी गुजरात से लेकर के बंगाल तक मिलता है, तो आपका ये गुजरात है, ये कुछ ऐसा है ना, तो यहाँ से लेकर के और इधर ये बंगाल तक मिलता है, ये जलोढ़ मिट्टी का पूरा जो है सो एरिया ही है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो इसमें जो है सो फास्फोरस चूना पत्थर और पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है, फास्फोरस चूना पत्थर और पोटाश की मात्रा ज़्यादा, नाइट्रोजन पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा क्या होती है कम, इसलिए हमें यूरिया बाहर से डालना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखने वाली बात यह है कि फास्फोरस चूना पत्थर और इसमें, और ये मिट्टी बनता कैसे है, तो नदियाँ पहाड़ों से उतरती है, पहाड़ से पत्थरों को तोड़ के ले आती हैं, और तोड़ते और जब बाहर के मैदान के में बिछा देती है ले आ करके, तो ये लेयर बन जाता है मिट्टी का, ठीक है। इसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, बिहार में, यूपी में,
हर साल बाढ़ आता है तो हर साल एक दर मिट्टी का परत बीत जाता है और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। उसके बाद में जो है सो आपका कौन सी मिट्टी है, तो काली मिट्टी है। काली मिट्टी में आप देखेंगे कि अरूनियम एलियम और एल्युमिनियम और जो है सो फेरस लोहा का मात्रा ज़्यादा होता है। इसको कपासी मिट्टी बोलते हैं। कपासी मिट्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह जो है सो कपास उगाने में काम आता है और पानी रोकने में, इसमें जो है सो पानी बरस जाएगा तो पानी जल्दी नीचे नहीं जाता, पानी को होल्ड करके रखता है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो यह कहाँ कहाँ पाया जाता है आप, तो अगर मैप पे देखें अगर तो ये गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा में कुछ भाग में, एमपी में, कुछ यूपी तक आता है, ठीक है, कुछ छत्तीसगढ़, मतलब ये पूरा है। तो इसमें क्या है, एक्चुअल में क्या है, ये कैसे बना है? तो देखो आप, जब भारत जो है सो जब ये भारत कुछ ऐसा था, ये अलग हुआ तो ये अफ्रीका से टूटा, अफ्रीका से टूटा तो यहाँ पे लावा का प्रवाह हुआ। लावा के प्रवाह होने से इसमें जो है सो लगभग 2000 मीटर तक अंदर तक जो है सो ये पूरी चट्टान पठारी भाग बन गया और ये जो है सो काला पत्थर है, बेसाल्ट रॉक है, इसलिए जो है सो यह काली मिट्टी है, ठीक है ना। तो ये मिलता है इसमें जो है CaCO4 Mg और जो है सो पोटेशियम और चूना की मात्रा ज़्यादा होती है, NPK की मात्रा कम होती है। सारे मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कम होती है। इसमें चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम की मात्रा जो है सो ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसको सेल्फ, अगर क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि अपने आप से जुताई वाली मिट्टी कौन सी है, तो यही है, गर्मी के दिनों में फट जाता है, बड़े बड़े दरार फट जाएंगे, पानी नहीं होगा तो बर्बाद हो जाएगा पूरा फसल। तो ये सेल्फ जुताई वाली मिट्टी है। कपास की खेती इसमें होती है और इन राज्यों में मिलता है। बना कैसे है, तो चट्टानों के टूटने से बना है। वो चट्टान कौन से हैं, तो जो है सो वोल्केनिक रॉक है या जो है सो आपका ज्वालामुखी जो है सो चट्टान है, जैसे वो बेसाल्टिक लावा जो रहती है, लावा जो रहती है फैलती है, काफ़ी दूर तक फैल जाती है क्योंकि एसिडिक होती है, वो बेसिक होती है। दूसरा चीज़ उसमें ये होता है कि उसमें बहुत पतला होता है, पानी जैसा होता है, तो ज्वालामुखी से निकलेगा लंबा दूर तक फैल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है सो इतने सारे एरिया में यह मिलता है। उसके बाद लाल एवं पीली मिट्टी की बात करोगे तो यह जो है सो आयरन के कारण जो है इसकी रंग लाल है, ऑक्साइड बना लेता है पानी के साथ में। और यह जो है सो पहाड़ों से जब जहाँ आयरन वाले जो चट्टान है वहाँ से यह जब टूटता है पत्थर, जब नीचे आता है, जब पानी के साथ जब नीचे आता है, जब बिछ जाएगा, तो ये जनरली चट्टान जो होते हैं ना, ये चट्टान हो गया ना, तो चट्टानों के नीचे वाली जो भूमि होगी यहाँ पे ये मिलेगा, याद रख लेना इसको। तो अब जो है सो इसका एरिया देखो, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, झारखंड हो गया, ये सब चट्टान वाला इलाका है और यही ये मिलेगी। अब ये जो है सो ज़्यादा हिमालय में नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना आप, ये चट्टानी वाले इलाके में मिलती है। तो बोलता है कि कम वर्षा और लौह अंश ज़्यादा, वर्षा कम है, 100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। उसके बाद में क्या होता है कि अग्नेय चट्टान के टूटने से, जो चट्टान है ये अग्नेय चट्टान है, ये टूटेगा तो क्या होगा, पानी नीचे जाएगा और वो मिट्टी पूरी बिछ जाएगी और बिछने से जो है सो इस मिट्टी का निर्माण होगा, ठीक है। और इन जगहों पे मिलेगी। तो अब लाल एवं पीली मिट्टी में जो है सो ज़्यादा मतलब कुछ होता नहीं है, जो ज्वार बाजरा हो गए इस टाइप की ही खेती होती है, तमिलनाडु वगैरह में ये ज़्यादा मिलता है। और पहाड़ों के, जब पहाड़ हैं उनके जस्ट नीचे मिलेगा, पहाड़ हैं उनके नीचे मिलेगा, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में जो है सो आपका लाल एवं पीली मिट्टी, तो कहीं लाल मिट्टी, अब इसका जो है सो आप मैप पे अगर इंगित करेंगे तो इन सारे स्टेट को इंगित करना पड़ेगा, ठीक है। मैप पे आप इंगित करेंगे तो आपको जो है सो, तो देखो ये हमारा, ये जो है सो हमारा ये कुछ ऐसा है, तो हमारा मतलब इधर का हम छोड़ देते हैं, इधर मैदानी भाग हो गया, इसके नीचे जो है सो ये पूरा मिलेगा। तो हमारा जो है सो जो ये आपका मृदा वाला जो है सो ये मिलेगा पूरा। उसके बाद में पूछे ये जो है सो पहला वाला जलोढ़ मिट्टी जो है सो यहाँ मिलेगा, थोड़ा सा मान लो कहीं यहाँ मिलेगा, ठीक है, ये पूरा मिलेगा, ये पूरा है, ये हमारी जलोढ़ मिट्टी, सॉरी ये हमारी जलोढ़ मिट्टी हो गई। उसके बाद में जो है सो हमारी काली मिट्टी जो है सो ये यहाँ से लेकर के ये ऐसे कुछ मिलेगा, और थोड़ा सा ये इधर वाला मिलेगा, थोड़ा सा इधर कहीं मिलेगा, और थोड़ा सा इधर कहीं मिलेगा। तो ये हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी जो हो गई ये काली मिट्टी हो गई, ये हमारी जलोढ़ हो गई, ये हमारी हो गई, ये हमारी जलोढ़ हो गई, ये हमारी काली हो गई, महाराष्ट्र और कर्नाटका वाला। और उसके बाद में ये पहाड़ों के किनारे वाला जो ये वाला इलाका है, इसमें जो है सो लाल और जो है सो पीली मिट्टी मिलेगी, लाल और पीली मिट्टी मिलेगी, इधर भी कुछ मिलेगी, ठीक है। उसके बाद लैटराइट, लैटराइट का मतलब होता है ईंट, ईंट के जैसा जो है वो लैटराइट है, ठीक है। आप लोग जो है सो इसको पॉज करके और इसको नोट कर लेना, ईंट के जैसी होगी वो लैटराइट होगी। तो ये ईंट बनाने के काम में होती है। लैटराइट मिट्टी कैसे बनती है पता आपको, मैं लैटराइट मिट्टी ऐसे बनती है कि आपका जो है सो मान लीजिए कहीं पर वर्षा हुआ, यहाँ पर जो है सो खूब गर्मी पड़ रही है, कहीं पर खूब गर्मी पड़ रही है, खूब गर्मी है, और फिर जो है सो वर्षा भी खूब हो रही है, जैसे आपका कहाँ पर होगा, केरला में होगा,
या फिर जैसे पहाड़, जैसे हिमालय के कुछ पहाड़ हो गए, जैसे मेघालय के पठार हो गए, वहाँ पे खूब वर्षा चेरापूंजी में होता है, तो क्या होगा, सिलिकन जो है सो मिट्टी का, जैसे ये एक लेयर हो गया, दूसरा ये लेयर हो गया, तीसरा एक लेयर हो गया, तो जब खूब वर्षा होगा तो सिलिकन के कण लीच के अंदर चले जाएंगे, इसमें अंदर चले गए, और ये मिट्टी ज़्यादा कुछ काम की नहीं रहती, खूब गर्मी पड़ती है, इसमें मृदा नहीं रहेगा, मतलब उपजाऊ पदार्थ नहीं रहता है, तो यहाँ पे चाय की खेती होती है, इसलिए आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट में तो आपको चाय की खेती मिलेगी, केरला में चाय की खेती मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये लेटराइट मिट्टी है, इसमें जो है सो हुमस की मात्रा बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि डेली बारिश हो रहा है तो बह जाएगा ना हुमस, हुमस कहाँ से रहेगा, बारिश के बाद बह जाएगा, तो इसमें हुमस की मात्रा नहीं रहेगी, ज़्यादा वर्षा और ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो खूब गर्मी पड़ेगा और वर्षा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। और इसमें जो है सो आपका अल्मोनियम और फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग भी लाल ही होता है, लेकिन इसको लाल मिट्टी नहीं बोलती, ये पहाड़ों पे ज़्यादा मिलता है, मैदानों में कम मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद में जो है आपका, इसमें जो है आपका और एक चीज़ देख लेते हैं इसमें, कि मिट्टी की उपयोगिता और जो है सो भौतिक और मानवीय कारक। तो अब जो है सो अब देखो आपका मिट्टी की उपयोगिता में आप लोग लिख लोगे 10 लाइन, अगर आप बोला जाए कि आप मिट्टी की उपयोगिता के बारे में लिखो तो आराम से लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, कि मिट्टी का उपयोग क्या है, मिट्टी का उपयोग क्या है, सबसे पहला है कि आपको जो है सो रहने के लिए एक जगह चाहिए, मैदान है, मिट्टी वही है ना, उसके बाद में दूसरा है कि उसमें खेती करते हैं, तीसरा क्या है घर बनाने के मटेरियल भी वहीं से ले आते हैं, चौथा है क्या है कि जीव जंतु को चराने के लिए चरागाह का यूज करते हैं, तो इस तरह से मिट्टी का पूरा उपयोगिता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसको जो है सो नोट करना है, नोट करने के बाद में जो है सो एक पेज पर नोट कर लीजिए और बार बार इसको देखते रहिए, आपको लगता है कि कोई टॉपिक, कोई पॉइंट, मान लीजिए हमें ज़्यादा समझ में आ रहा है या हमें जितना समझ में आया है, हो सकता है कि उससे आपको कम समझ में आ रहा है, तो बुक को पढ़िए और कुछ टॉपिक को यहाँ पे आप चाहें तो नोट कर लें, ठीक है। तो ये एक पेज में आपका पूरा का पूरा खेल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना है और आज के लिए नहीं पढ़ना है, अगर आपको मान लीजिए IAS IPS या PCS SSC बनना है तो आपको इस लेवल का पढ़ना है, और ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, बता रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमको पता है वहाँ पे इस सब्जेक्ट के लोग ऐसे ही पास हो जाते हैं, अब क्या बने, अब नहीं हम बोलना चाहते हैं उस पर, हम बहुत बोल चुके हैं। तो आप लोगों का काम यही है कि इसको पढ़िए, समझिए, नोट कीजिए और याद कीजिए। कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, 4 स्टेट का नाम दे देगा, गुजरात दे देगा, UP दे देगा, बिहार दे देगा और तेलंगाना दे देगा, तो आप यहाँ चकड़ा खा जाओगे, तेलंगाना में कहाँ जलोढ़ मिट्टी आएगी, या फिर जो है सो आपका आपका महाराष्ट्र दे देगा, या फिर जो है सो आपका जो है सो राजस्थान में मिलती है जलोढ़ मिट्टी, राजस्थान में ऐसा नहीं मिलती है, आपको दे देगा उत्तराखंड दे देगा, या फिर जम्मू एंड कश्मीर दे देगा, तो आप चकरा जाओगे, यहाँ पे कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद क्या बनता है, जो है सो सारी मिट्टियों में जो है सो NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी होती है कि ज़्यादा होती है, तो सारी मिट्टी में इसकी कमी होती है। उसके बाद में इसमें पूछ सकता है सेल्फ जुताई वाली, जो अपने आप से जोतने वाली मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है। उसके बाद में क्वेश्चन